नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यूज NCR। 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले की तैयारियां लगभग अंतिम चरण पर पहुंच चुकी हैं और मेला दर्शकों के स्वागत के लिए तैयार हो चुका है। 22 साल के बाद एक बार फिर जम्मू एंड कश्मीर थीम स्टेट के रूप में शिरकत कर रहा है। वहीं पार्टनर कंट्री के तौर पर उज्बेकिस्तान अपनी कला के जौहर दिखाने को तैयार है। 19 मार्च से 4 अप्रैल तक चलने वाले इस मेले का शुभारंभ 19 मार्च को शाम 5:30 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री और जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा संयुक्त रूप से करेंगे। देखिए, मेले का शुभारंभ 19 मार्च को होगा, जिसका समय 5:30 सायं रखा गया है और उसमें ऑनरेबल CM हरियाणा और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी दोनों जॉइंटली इसको इनॉग्रेट करेंगे और इसका समय जो है 12:30 से लेके लास्ट टिकट एंट्री 9 बजे रखी गई है। तो क्या क्या खास देखने को मिल रहा है इसमें? देखिए, जम्मू कश्मीर 2000 में हमारे पास एस थीम स्टेट आया था और करीब 22 वर्षों के बाद जम्मू एंड कश्मीर बहुत जो एक वाइब्रेंट स्टेट है उसका क्राफ्ट कल्चर और कुजीन लोगों तक पहुंचेगा इस प्लेटफॉर्म से और बहुत अग्रेसिव पार्टिसिपेशन देखने में आ रही है। अभी आप ग्राउंड पे देख भी रहेंगे, उन्होंने बहुत ही उनकी टीम बेहतर काम कर रही है ग्राउंड पे और उनका बहुत फाइनेस्ट और पश्मीना जो है यहाँ देखने को मिलेगा। उसके अलावा कश्मीरी कहवा जो वर्ल्ड नोन है उसका लोग लुत्फ उठा पाएंगे और जहाँ तक कल्चर का सवाल है, बहुत जो उनके वहाँ के डांस फॉर्म्स हैं, कल्चरल परफॉर्मेंसेज हैं, वो भी अब उनके हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट और टूरिज्म डिपार्टमेंट मिलके यहाँ पर लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत ही उत्साहवर्धक जो पार्टिसिपेशन होगा और उसके अलावा उज्बेकिस्तान हमारा पार्टनर नेशन है, वो भी बहुत अग्रेसिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत तीन कंट्री है जो इंडिया के साथ एसोसिएट होना चाह रही है, तो और उसके अलावा सभी हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज होंगी। करीब 26 कंट्रीज़ का अभी तक हमारे पास पार्टिसिपेशन हम सुनिश्चित कर चुके हैं और अभी बचे हुए दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि कुछ और कंट्रीज़ का भी कॉन्फर्मेशन MEA भारत सरकार के द्वारा हमारे पास पहुंच जाएगा। तो करीब 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ भी पार्टिसिपेशन होगी और मेले का जो आप देख रहे हैं अभी जो मेले का एम्बियंस प्लान है वो बिल्कुल नए तरीके से हम एम्बियंस प्लान को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हमारी टीम जो ग्राउंड पे लगी हुई है और करीब करीब सभी तैयारियां कर ली गई हैं। फाइन ट्यूनिंग और जो लास्ट मिनट की तैयारियां हैं वही हमारी बची हुई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दर्शकों को मेला पसंद आएगा और आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा मेला सेफ है, आप यहाँ आएँ और भरपूर आनंद उठाएँ। टिकट्स किस तरीके से बुक करवा पाएंगे दर्शक? देखिए, टिकट के लिए और पार्किंग के लिए ऑनलाइन टिकट को प्रोत्साहित किया जा रहा है और उसके प्रोत्साहन के लिए PTM के साथ हमने एक अनुबंध किया है और हमारी हरियाणा टूरिज़्म की वेबसाइट या उसके अलावा PTM के लिंक के थ्रू आप ऑनलाइन टिकट और उसके साथ साथ पार्किंग भी अपनी टिकट सुनिश्चित कर सकते हैं। तो सभी दर्शकों को इस माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप अपनी टिकट ऑनलाइन लेके आएँ तो उसमें आपको असुविधा कम होगी और आपको क्योंकि टिकट खिड़की पर आपको ज़रा सा भी इंतज़ार ना करना पड़े तो आप पार्किंग और एंट्री टिकट अपना ऑनलाइन सुनिश्चित कर लें और उसमें अभी फ़िलहाल के लिए एक अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी चल रहा है जिसमें 10% डिस्काउंट सभी उन विजिटर्स को जो इच्छुक हैं आने में उनको दिया जा रहा है। तो बात करें अगर टिकट्स के रेट की तो रेट क्या होगा? देखिए, रेट हमने 2020 में 34वें मेले में जो रेट था वही सेम हमने कंटिन्यू किया है, जो 120 रुपये जो वीकडेज हैं और 180 रुपये वीकेंड्स पर रहेगा। फूड कोर्ट में क्या क्या व्यंजन खाने को मिलेंगे? देखिए, हम मल्टी कुजीन फूड कोर्ट यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहे हैं और उसमें जो वेरियस स्टेट्स का खाना है जिसमें बिहार का एक स्पेशल स्टॉल भी है, JNK का स्टॉल है, पंजाबी खाना होगा, चाइनीज़ होगा और मेडिटेरेनियन होगा, कॉन्टीनेंटल खाना होगा, हरियाणा का स्पेशली एक स्टॉल है और उसके अलावा जो हरियाणा के वेरियस स्टेट्स के व्यंजन हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, हरियाणा का जलेबा यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि दुहाना के लिए एक दुहाना का जो एक फेमस जलेबा है वो भी यहाँ देखने को मिलेगा और खाने को लोगों को मिलेगा। तो बहुत अच्छा एक फूड कोर्ट एस्टेब्लिश करने की तैयारी है और मैं समझता हूँ कि एक कंप्लीट पैकेज है लोगों के लिए जो आप एक पिकनिक की तरह इसको आ सकते हैं और
इसमें आपको बहुत लोक लुभावन लोक नृत्य आपको देखने को मिलेंगे और सभी स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन एक ही प्लेटफॉर्म पे एक मिनी इंडिया की तरह देखने को मिलेगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात करें तो हर साल बड़ी चौपाल और छोटी चौपाल का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है, इस बार भी वैसे ही होगा? देखिए इस बार भी जो है कल्चरल परफॉर्मेंसेस चौपाल वन और चौपाल मिनी चौपाल जिसे बोलते हैं दोनों पे होगा। इस बार की जो कल्चरल परफॉर्मेंसेस हैं उसका कल्चरल कैलेंडर हमने जारी कर दिया है। बहुत ही जो इंडिया में नोन परफॉर्मर्स हैं कल्चरल परफॉर्मर्स और विश्व विख्यात परफॉर्मर्स हैं उनके जो है परफॉर्मेंसेज यहाँ पे सुनिश्चित की गई हैं और इसमें डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर हरियाणा और NZCC भी हमारे साथ हमारी मदद कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत एक अच्छा कल्चरल पैकेज लोगों तक पहुँचेगा और लोग इसका बहुत आनंद उठाएंगे। कुल मिलाकर दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि वो अपने परिवार से हित आएँ और मेले का लुत्फ उठाएँ? देखिए दो साल के बाद करीब ये मेला लग रहा है, 2021 में हम इसे कोविड महामारी की वजह से नहीं लगा पाए थे, तो हम सब उत्साहित हैं और मैं समझता हूं कि आपके प्लेटफॉर्म से आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा दर्शकों को कि मेला सेफ़ है। कोरोना महामारी के बाद हमें एक समय मिला है कि हम अपने घरों से निकलें और एक बहुत अच्छा विकल्प पिकनिक का और एक परचेजिंग स्प्री का हमें मिलेगा और अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आए। मेला सेफ़ है, सभी तरह के कोविड पेंडेमिक प्रोटोकॉल का पालन होगा। मेले में सुरक्षा बहुत चाक चौबंद पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद द्वारा पहले से एस्टेब्लिश की जा चुकी है और सभी तरह के डिज़ास्टर्स का बहुत अच्छे से हरियाणा सरकार ने इसमें इंतज़ाम किया है। तो आप सभी दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा, आप काउंटडाउन बिगिंस, आप करीब 4 दिन का समय बचा है, आप इस मेले का लुत्फ उठाएं और अपनी टिकट सुनिश्चित करें। एक आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि लगातार तापमान बढ़ रहा है, गर्मी का मौसम आ चुका है, तो ऐसे में इसकी टाइमिंग क्या रखी गई है? देखिए टाइमिंग हमने थोड़ा सा इसमें बदलाव किया है और 12:30 बजे बाद दोपहर से ये मेला स्टार्ट होगा और 9 बजे शाम तक लास्ट टिकट मिलेगी। तो मॉर्निंग का टाइम हमने कम किया है, इवनिंग में टाइम बढ़ाया है समय को देखते हुए। उसके अलावा दर्शकों के लिए ज़्यादा हम गार्डन बेंचेस का इंतज़ाम कर रहे हैं और जगह जगह पर जो है हम इसमें पब्लिक कन्वीनियंसेस और पब्लिक के लिए जो सुविधाएं इंश्योर कर रहे हैं कीपिंग इन व्यू द टेम्परेचर। तो सभी दर्शकों के लिए हर तरह की सुविधाएं यहाँ हम मुहैया कराने के लिए प्रयासरत हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में आप जब इसका शुभारंभ होगा और उसके बाद यहाँ पर मेला स्टेट ऑफ द आर्ट तरह से लगेगा और लोगों को बहुत पसंद आएगा। जैसे कि आपने बताया 9 बजे टिकट्स खिड़की बंद हो जाएगी, तो मेला कितने बजे तक कंटिन्यू रहेगा जो लोग अंदर होंगे? देखिए मेला मैं उम्मीद करता हूँ कि सैटरडे संडे में ये मेला लेट नाइट तक चल सकता है और अदरवाइज़ वीकडेज पे मैं उम्मीद करता हूँ कि 9:30-10 बजे तक मेला हम उम्मीद कर रहे हैं कि दर्शक यहाँ पे होंगे और वो अपना डिनर प्लान करके और डिनर के बाद यहाँ से जाएंगे। और जैसे ही अब मेला स्टार्ट होगा 19 को, तो हमें भी क्योंकि ये नया टाइम है और नया टाइम स्लॉट के साथ नए दिनों में लग रहा है, तो हमारे लिए भी एक नया एक्सपेरिमेंट होगा, लेकिन हम हर तरह की तैयारी कर चुके हैं और दर्शकों को बेहतर सुविधाएं हम पहुंचा पाएं उसके लिए हम प्रयासरत हैं।